तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। प्यारी दोस्तों, मैं हाफिज़ रिजवान रज़ा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में हम एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस वजीफ़े को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी रोज़ी रिज़्क में खूब बरकत होगी, ऐसी बरकत होगी कि आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दौलतमंद होने का वजीफ़ा अगर आप खोज रहे हैं, दौलत का वजीफ़ा खोज रहे हैं, रिज़्क में बरकत का वजीफ़ा खोज रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस वीडियो को आखिर तक देखें, यानी इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहिए और वजीफे को करने का सही तरीक़ा जानिए और बिना कहीं स्किप किए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए वजीफे को हम लोग गौर से सुनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी दुआ की गई है, तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। आइए हम लोग वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा जानते हैं। दोस्तों, आप किसी भी दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं, यानी कोई भी महीना हो साल में और महीने का कोई भी हफ्ता हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, ठीक, दिन में किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, चाहे फजर का वक्त हो, जोहर का वक्त हो, आसर का वक्त हो, मगरिब का वक्त हो, ईशा का वक्त हो, दिन हो या रात हो, ठीक। तो किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपको सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, चाहे जो भी आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे या जो आपका मन करे आप पढ़ सकते हैं, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। इसके बाद प्यारे दोस्तों, आपको पढ़ना है पूरे 11 बार। क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है या रहीम या रहीम या रहीम, ऐसे ऐसे 11 बार पढ़ना है। देखिए, या रहीम ये हो गया एक बार, या रहीम ये हो गया दो बार, या रहीम ये हो गया तीन बार, ऐसे ऐसे पूरे आपको पढ़ना है 11 टाइम्स, यानी कि 11 बार। और इसके पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जैसे कि आपने शुरू में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही दुरूद शरीफ आप एक बार आखिर में पढ़ लें। इस तरीके से आपका यह वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। प्यारी दोस्तों, उम्मीद है आप इस वजीफे को पढ़ने का तरीक़ा समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। अब आइए हम लोग दुआ करते हैं, जिसमें हज़ारों अल्लाह के नेक बंदे इंशाल्लाह आमीन कहेंगे, तो आप भी इस दुआ में शामिल रहें और खूब सारी बरकतें लूटिए। आइए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए अल्लाह या रहमान या रहीम, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सयाकार हैं, मेले कुचैले हैं या रब, अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा हैं या रब, हमारी शर्मिंदगी कबूल फरमा, हमारी हमारे माँ बाप की और सारी दुनिया के मुसलमानों की मगफरत फरमा, हमारी रोज़ी में, रिस्क में, इल्म व अमल में, सेहत में खूब खूब बरकतें अता फरमा, जो भी रोज़गार है उन्हें अच्छा सा रोज़गार अता फरमा, उन्हें अच्छी नौकरी अता फरमा, जिनके दुकान या कारोबार है मौला उनमें खूब खैर बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा, जो जिस काम में लगे हुए हैं, जिनका जो व्यवसाय है, जिनका जो पेशा है मौला, उनके उस जायज़ काम में बरकत अता फरमा मौला ताला, जो भी औलाद है उन्हें नेक व सालेह औलाद अता फरमा, जो भी हमारे भाई बहन शादी के लायक हो चुके हैं उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे मौला, वो परेशान हाल हैं, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए गैब से अच्छे से अच्छे रिश्ते के असबाब पैदा फरमा मौला ताला, हम गुनहगारों की दुआओं को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से जाकर के आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी काम को फैलाना, अच्छी बात को फैलाना सदक़ा जारिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हाफिज़ रिजवान रज़ा कादरी इंशाल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह। अल्लाह हाफिज़।